हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखा था। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा जेई मेंस और नीट में भी आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। और इसका मोर इम्पोर्टेंट ये है कि इसका एप्लीकेशन है, जिसे आप लोगों ने कैपेसिटर में भी देखा कि कैपेसिटर में भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में क्या है, इसका एप्लीकेशन है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है, इसके बाद अप टू मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट तक हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, इसका एप्लीकेशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आसान है। आप लोग टेंथ क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन टेंथ क्लास में उतना डीप में नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आप ओम्स लॉ तक आप टेंथ क्लास में पढ़े हैं। करंट क्या होता है, आप लोगों ने वहाँ एक ही तरह का करंट पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे करंट दो तरह के होते हैं, जो हम अभी देखेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टेट में क्या पढ़ा था कि चार्ज के बारे में पढ़ा था, कि चार्ज से रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, और वैसा चार्ज जो क्या था, रेस्ट में था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि करंट को हम क्या चीज से इन जनरल आई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई मीन यूनिट टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ज के फ्लो के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। तो देखो हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमने ऐसा मान लिया कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसमें क्या हो रहा है, इसके थ्रू चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मान लो कि यही क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे बोला, आई मीन इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हमने ये माना कि डेल्टा क्यू इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम डेल्टा टी। हमने लिखा है कि लेट डेल्टा क्यू चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम डेल्टा टी, देन एवरेज करंट आई ए बी जी, इसको एवरेज ऐसे भी लिखते हैं, और एक ऐसा भी सिंबल आता है इसको आप ऐसे भी, यदि ए बी सिंबल दिया है तो इसका मतलब क्या, एवरेज होता है। तो एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई द टाइम फॉर विच द चार्ज इज फ्लोइंग। तो हमने क्या लिखा, डेल्टा क्यू अपॉन क्या लिखा, डेल्टा टी लिखा, आई मीन डेल्टा क्यू क्या है, टोटल चार्ज फ्लोइंग, और डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन फॉर द चार्ज डेल्टा क्यू टू फ्लो, ठीक है। अब यहां देखोगे इंस्टेंटेनियस करंट एक होता है, इंस्टेंटेनियस करंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, आई स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस, आई का मतलब क्या होगा, देखो आई इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आई एवरेज, क्या लिखेंगे यहां, आई एवरेज, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट है ना डेल्टा टी टेंस टू जीरो आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी एवरेज पढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये जब आप, मैंने बेसिक्स मैथ में भी बताया था, तो जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है तो डेल्टा ए डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, आई मीन इंस्टेंटेनियस रेट एट विच द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब इसके बाद क्या है, करंट इज क्या है, करंट क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, आप जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो करंट भी उसमें क्या आता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसका डायमेंशन क्या होगा, ए से हम क्या करते हैं, कैपिटल ए, या आई से भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम डिनोट कर देते हैं, और एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। तो दो तरह के करंट होते हैं, एक क्या होता है, एवरेज करंट, एवरेज करंट का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हुआ कि डी क्यू अपॉन क्या होगा, डी टी, ठीक है, आई मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि करंट को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है।
तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, आपको लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, और दिस इज कॉल्ड एम्पियर। क्या होता है एसआई, अगला पॉइंट क्या है एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड। इस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एम्पियर, और इसको ए एम पी भी लिखते हैं और किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट जो होता है इसका क्या होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ करंट इज EMU ऑफ करंट। यू ऑफ क्या होता है करंट, ये जनरली आप यूज नहीं होता है, लेकिन क्या है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, एंड इज कॉल्ड क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बायोट, बी आई ओ टी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल बी आई। अब देखो वन एम्पियर क्या होगा, वन एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, वन कूलम अपॉन क्या होगा, वन सेकेंड, इक्वल टू हम लिखते हैं इसको क्या, कि वन अपॉन टेन ई एम यू अपॉन क्या होगा सेकेंड, आई मीन क्या होगा वन अपॉन टेन बायोट, ठीक है। तो वन एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन टेन बायोट यूनिट होगा। तो ये कभी कभी रेयरली, क्योंकि सीजीएस यूनिट जनरली यूज नहीं होता है, तो हम जनरली क्या होगा बायोट में हम क्या करते हैं, करंट जो होगा आपको क्या चीज में मिलेगा, एम्पियर में मिलेगा, मिली एम्पियर में मिलेगा, और माइक्रो एम्पियर में भी मिलता है। तो देखो वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, टेन रेज टू माइनस थ्री एम्पियर, ठीक है। वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, टेन रेज टू माइनस सिक्स एम्पियर, और कभी कभी वन नैनो एम्पियर भी होता है, तो कितना होता है, टेन रेज टू माइनस नाइन एम्पियर। ये तब जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो वहां आपको ये चीजें मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक कुछ कन्वर्जन जो है उसको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो करंट क्या है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसका डायमेंशन जो है क्या है, कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम पर सेकेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ए एम पी भी लिखते हैं और कैपिटल ए भी लिखते हैं। सीजीएस यूनिट जो करंट का होता है बायोट होता है, बी आई ओ टी, और इसका एवरी जो फॉर्म है स्मॉल फॉर्म है हम कैसे लिखते हैं, बी आई, कैपिटल बी इंटू आई, ठीक है, कैपिटल बी आई। तो वन एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन बायोट होता है, ठीक है। अब इसके बाद यदि कुछ पॉइंट आप देखेंगे कि इफ क्या होगा, चार्ज वर्सेस क्या होगा, इफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, क्या होगा इफ चार्ज, क्या होगा इफ चार्ज, पॉइंट वाइज हम लिखते जाएंगे कि इफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व विल गिव करंट एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से क्या होगा कि यही हमने यहाँ क्यू कंसीडर कर लिया, चार्ज हमने मान लिया कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या किसी कंडक्टर वर्सेस क्या है टाइम ग्राफ, और ऐसे दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, सब।
तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ जो देखो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू क्या होगा, यही टेंजेंट हुआ, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन क्या होगा, डी टी, और इक्वल टू क्या होगा, तो इससे क्या मिलेगा, यदि करंट वर्सेस टाइम अगर आप दिया होगा तो आपको स्लोप से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लोप से क्या होगा, करंट आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। अब उसके बाद यदि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है क्या होगा, करंट वर्सेस, इफ अगला पॉइंट क्या है, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन एरिया अंडर द कर्व और ग्राफ विल गिव चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन, चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, हमने कंडक्टर मान लिया, कंडक्टर इन गिवन टाइम, ठीक है। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कभी कभी पूछा जाता है, तो यहाँ क्या है, हमने अगेन वर्टिकल एक्सिस पे करंट रखा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। अब अगेन देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है। अब इस यहाँ क्या है, इससे आपसे कोई पूछे कि इसका जो एरिया मिलेगा, एरिया से क्या मिलेगा, यही एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, यदि मैं टी वन लिखूं और यहां टी टू, इक्वल टू क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम टी वन टू टी टू, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, यदि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो क्या मिलेगा, एरिया से क्या मिलेगा अपने को, कि चार्ज जो कितना फ्लो हो रहा है वो मिलेगा, क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा, अभी तो ये देखो ग्राफ क्या है, टाइम एक्सिस से क्या है, ऊपर दिया होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होगा, इसमें नोट में ये चीज ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करो तो मान लो कि ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया, तो ये वाला यहाँ क्या है, करंट, और यहाँ टाइम दिया हुआ, ठीक है, आई मीन करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, तो ऊपर वाला जो एरिया निकालना उसको क्या करना, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या मानना है, निगेटिव। यदि ये एरिया क्या होगा, इसको हम ई मान लें, E1 मान लें, और इसको क्या मान लें, T2 मान लें, और ये 0 टू T मान लें, तो मुझे वाइंड अप करना, चार्ज फ्लोइंग इन टाइम T इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब एरिया क्या हो, टाइम एक्सिस के ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो नीचे वाले एरिया को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानेंगे, ऊपर वाले एरिया को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और नेट चार्ज हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है, कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन अपर अबव द टाइम एक्सिस एंड क्या होगा माइनस क्या होगा एरिया ऑफ द रीजन शेडेड रीजन बिलो द टाइम एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको कि जब भी हमने ऐड ही किया है लेकिन ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव माना है और नीचे वाले एरिया को हमने क्या माना है निगेटिव कंसीडर किया। अब यहाँ ये आता है कि करंट जो है क्या है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि करंट क्या है, कि मैंने बताया भी था कि जब भी क्या होगा वेक्टर का मतलब क्या होता है कि चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। तो वंस द डायरेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी इज फिक्स्ड देन वी कांट से दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन, करंट का जो फ्लो होता है, अभी मैं बताऊंगा कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट क्या होता है फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है करंट के फ्लो को या करंट के डायरेक्शन को हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है, कि क्या लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ऐसे ही बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या होगा कंडक्टर। या इनसाइड द मटेरियल, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, अब देखो क्या है, कोई भी अभी हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं, कंडक्टर के बारे में ही देखेंगे। मान लो कि ये क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब क्या है, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, हम बोल सकते हैं कि क्या है पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर। और करंट का भी डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, इधर होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, यही कोई हमने मान लो कि हमने कंडक्टर मान लिया, यही क्या है क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, क्रॉस सेक्शनल। तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये दोनों क्या है पैरेलल है। अब देखो क्या है, यहाँ ऑलवेज जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हाँ तो हम लोग देख रहे थे क्या कि जब भी क्या होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर ऑलवेज क्या होता है न्यूट्रल होता है, उस पर नेट चार्ज क्या होगा जीरो होगा। चार्ज क्या होगा, हमेशा याद रखना है कि जब भी मान लो कि क्या है कंडक्टर है तो कंडक्टर के थ्रू क्या होता है चार्ज फ्लो होता है, कहीं चार्ज पाइलअप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं चार्ज इकट्ठा होगा, कहीं चार्ज क्या होगा कहीं एक्सेस चार्ज हो जाएगा, कहीं किसी रीजन में डिफिशियंसी ऑफ चार्ज हो जाएगा, तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि वेन करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर देन नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, दैट इज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट द कंडक्टर इज ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। क्या होता है ऑलवेज रिमेन
न्यूट्रल, ठीक है। तो आई मीन क्या होगा कि जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, यही कंडक्टर दिया हुआ है ना, यही मान लो कि कंडक्टर है, इस पे क्या हो रहा है, चार्ज करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या है, करंट, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि नेट चार्ज ऑन द क्या होगा, कंडक्टर, यही क्या है, आई का डायरेक्शन है, ठीक है। नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी क्या होगा, जीरो, ए याद रखना, ठीक है। कि जब भी क्या होगा, व्हेन एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन द कंडक्टर ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल, ये कभी कभी पूछा जाता है। दूसरा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जैसा कि मैंने बताया था। यदि ऐसा नहीं होगा तो कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इन वैलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इन वैलिड हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट, अब देखो क्या होगा इसमें कि हम यदि कंसीडर कर लें कि इफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ एन पार्टिकल्स हैविंग ईच हैविंग क्या होगा, ईच हैविंग चार्ज क्यू ईच फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन, गिवन क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, देन करंट इक्वल टू क्या होगा, देखो करंट इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी, यही होगा। तो देखो तो क्या है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक पार्टिकल पे कितना चार्ज है, क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू क्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी ये दिया हुआ है कि दूसरा पॉइंट लिख लो, इफ क्या होगा, इफ एन नंबर ऑफ, इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, देन करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो n इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, और E क्या है, चार्ज ऑफ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E है ना, E, और E का वैल्यू आप लोग जानते हो, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें पूछा जा सकता है कि इफ इफ एन पार्टिकल एन पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज क्यू इज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, देन करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन dQ अपॉन क्या लिखेंगे, dt,
इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो क्या होगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पहले टोटल चार्ज निकालेंगे तो कैसे होगा, एन इंटू ए इंटू क्यू, यही टोटल चार्ज हो जाएगा, अपॉन क्या होगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एन क्या है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, नहीं ये क्या हो जाएगा, गलत लिख दिया, यहां दिया हुआ है पर सेकेंड, तो सिंपल क्या हो जाएगा, एन ए क्यू हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एन ए क्यू। तो दिस इज नथिंग बट द करंट। उसके बाद यदि दिया हुआ हो कि देखो, तो इफ इफ एन पार्टिकल्स एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्लोइंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग है ना हैविंग चार्ज क्यू नहीं एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम Each having charge Q is flowing through flowing through a conductor for time t and if velocity of each particle is kya hoga v then current kitna ho jayega देन करंट कितना होगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो यही क्या है, कंडक्टर है, इसको कैरियर कॉन्सेंट्रेट से ही कंडक्टर हमने मान लिया। इधर चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो t टाइम में ये जो पार्टिकल होंगे वो कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, यदि मैं मान लूं कि यही क्या है, ड्यूरिंग t टाइम पार्टिकल विल मूव थ्रू ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि मैं x मान लूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इनटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, v इक्वल टू हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एक्स, आई मीन ए इंटू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी क्या है, वॉल्यूम, आई मीन इसका एरिया हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, सॉरी वी क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। अब हम लिख दें, पहले डेल्टा क्यू लिखे हैं, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज, तो एन इंटू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, यही होगा क्या, तो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, एन क्यू ए भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अब करंट, यही टोटल चार्ज मिल गया, तो करंट इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्या लिखोगे, टी, क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू अपॉन टी, यहां डेल्टा टी लिख लो सबसे अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा, डेल्टा टी, यहां भी हमने क्या लिखा, डेल्टा टी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो एन क्यू
ई इंटू क्या होगा, ठीक है, एन क्यू ए इंटू क्या मिला, वी मिल गया। तो हम ऐसे भी करंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ हो, जब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ हो, वेलोसिटी दिया हुआ हो, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में करंट हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा, आई इज इक्वल टू क्या हुआ, एन, ठीक है, क्यू ए इंटू हमने क्या लिखा, वी। आई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ड्रिप वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ यही रिजल्ट आएगा, केवल यहाँ भी के जगह क्या मिलेगा, ड्रिप्ट वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्यू चार्ज, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, और एन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, और दिस इज नथिंग बट द करंट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, करंट। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी ऐसे पूछा जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट, एक तो क्या हुआ है, देख रहे थे कि क्या हुआ कि करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ चार्ज, जैसे हमने ये केस देखा। अब हम क्या देखेंगे, करंट ड्यू टू, करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन, या करंट ड्यू टू सर्कुलर रोटेशनल मोशन ऑफ चार्ज, और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। जैसे देखो क्या है कि यहां कोई, आप ऐसे सोचो कि क्या है, सर्कुलर पाथ है ना, यही क्या है, सेंटर है, और इस पे कोई चार्ज है, जो क्या है, चार्ज, ये क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, आई मीन क्या है, ये चार्ज, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज इज having charge q is moving on the circular path of radius r with constant speed v, then current is given as, देखो I equal to क्या होगा, charge q upon क्या होगा t क्या होगा, time period, याद रखना, ठीक है, आई मीन सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के वजह से क्या होगा, तो टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, क्यू क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, और आई क्या है, करंट, ठीक है। अब t इक्वल टू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन क्या होगा, v होगा, ठीक है, यहां लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या होगा, देखो q इंटू v अपॉन क्या होगा, 2 पाई r,
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी अपॉन आर को क्या लिख सकते हो, ओमेगा भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू ओमेगा अपॉन क्या होगा 2 पाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू इंटू क्या होगा एफ, ठीक है, क्या होगा क्यू इंटू क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा ऐसे भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, करंट ड्यू टू क्या होगा रोटेशनल मोशन ऑफ या सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज हमने अभी देखा था। तो क्या करना है, जब भी क्या होगा इस टाइप का केस होगा तो हम क्या करेंगे, करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मूविंग चार्ज चार्ज ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं कि टाइम टेकन बाय द चार्ज टू कंप्लीट वन रिवर्स। और ये करंट क्या होगा, एवरेज करंट होगा, हमेशा याद रखना है कौन सा करंट होगा, एवरेज करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद तो इसके बाद क्या है कि करंट जो होता है बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, देखो क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्या होगा करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। क्या क्या होगा, एक होगा डीसी करंट, क्या बोलेंगे हम उसको डीसी करंट, पहला जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट क्या लिखते हैं डीसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्या होगा, विल बी कॉन्स्टेंट, जो अपने को जनरली पढ़ना है, ठीक है। क्या है, जनरली अपने को पढ़ना है, जैसे मान लो कि यहाँ क्या है, बैटरी से आप एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसको जब आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, बैटरी के दो टर्मिनल से, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे डीसी करंट। ये कौन सा करंट होगा, डीसी करंट, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डीसी करंट होगा, यही हमने क्या कंडक्टर कंसीडर किया, तो डीसी करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट होता है, डीसी वैसा करंट जो, यही अपने को जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही पढ़ना है, डीसी करंट के बारे में ही पढ़ना है। दूसरा जो करंट होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्या बोलते हैं एसी करंट बोलते हैं, जो अपने को कहाँ पढ़ना है लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें एक अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है लास्ट में, तो वहाँ अपने को पढ़ना है, लेकिन अभी देखना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा जो करंट है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम एसी, ठीक है। तो करंट का क्या होना चाहिए, अब देखो क्या है, पहले क्या होना चाहिए, करंट करंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, ए में क्या होना चाहिए, इफ देखो क्या है, इफ करंट इज क्या होना चाहिए पीरियोडिक, हैविंग कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप लोगों को मालूम है, ठीक है। क्या होगा, इफ करंट इज पीरियोडिक हैविंग कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एंड
फॉर क्या होगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, आई मीन फॉर हाफ टाइम पीरियड क्या होगा, फॉर हाफ साइकिल क्या होगा, हाफ साइकिल इट इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग हाफ साइकिल इट इज क्या होगा निगेटिव, देन सच करेंट करेंट इज कॉल्ड क्या होगा एसी करेंट। आई मीन क्या होना चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, करेंट क्या होना चाहिए, देखो इफ करेंट इज पीरियोडिक हैविंग कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फॉर हाफ साइकिल इट इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग हाफ साइकिल इट इज निगेटिव, देन सच करेंट इज कॉल्ड क्या होगा पीरियोडिक, सॉरी सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जैसे देखो अल्टरनेटिंग करंट का पावर सप्लाई का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है, देखो क्या है कि ऐसे ग्राफ दिया होगा, क्या होना चाहिए, जैसे ऐसे दिया होगा, तो देखना यहां आप ध्यान से देखना, यहां आई वर्सेस टाइम दिया हुआ है, टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि यही क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा, आपको जैसा कि मालूम है ये प्लस, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है कांस्टेंट है, और फॉर पॉजिटिव देखो यही साइकिल यहाँ से देखोगे तो देखो ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस, फिर प्लस माइनस, तो ये क्या है प्लस माइनस, आई मीन हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल निगेटिव है, तो हम इसको क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, क्या बोलेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है देखो ये क्या है रेजिस्टर दिया हुआ है या कंडक्टर दिया हुआ है, और इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसे सिंबल होता है, इसका मतलब क्या हुआ है एसी, एसी पावर सप्लाई, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे एसी। तो हमेशा याद रखना है कि क्या होना चाहिए पीरियोडिक होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा मैग्नीट्यूड, डीसी करंट में क्या होता है मैग्नीट्यूड क्या होगा कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा फिक्स होगा, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा मैग्नीट्यूड आई मीन एम्पलीट्यूड क्या होगा मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जो होगा ऑलवेज क्या होगा फिक्स होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा ऑलवेज फिक्स होगा, पीरियोडिकली क्या होगा वैरी करना चाहिए, और पॉजिटिव हाफ मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होना चाहिए, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, यही क्या है अल्टरनेटिंग और डीसी करंट में क्या होता है डिफरेंस होता है, जो हम अल्टरनेटिंग करंट कब पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, उसके बाद करंट डेंसिटी और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेना और इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू।